take 670 to 50 now. वीरेंद्र जी, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो काफ़ी पॉजिटिव है. मुझे लगता है कि इस पर भी एक बाई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, तो 650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए और 705 तक के टारगेट के लिए इस पर एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं. पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा इमर्ज होता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें 705 तक के लक्ष्य के लिए खरीदारी किया जा सकता है. जी, दो तीन इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताता हूं. हिंडाल्को जो कि पसंद रही है हमारे, क्षेत्र बहुत ही बढ़िया लगता है और पर्टिकुलरली देखा जाए तो टाटा स्टील का जो चार्ट है 1100 के आसपास जो बेस बना है बहुत ही बढ़िया बना है. इसका मतलब ये हुआ है कि बॉटम आउट हो चुका टाटा स्टील, अब सिर्फ वक्त दीजिए कहां तक जा सकता है. मेरा टारगेट मीडियम टर्म के हिसाब से 1300 रुपये, तो मुझे लगता है 1300 की तरफ डेफिनेट चला जाएगा. 1250-1300 जोन. हाँ, अगर ट्रेडिंग बैट के लिए किसको लेना है तो अभी ले सकते हैं. 1150 का स्टॉप लगाइए, थोड़ा डीप है, लेकिन 1250-1300 आप देखेंगे. टाटा स्टील बढ़िया चार्ट. जी, टाटा स्टील इस वक्त बढ़िया चार्ट नजर आ रहा है और अच्छी खासी अगर देखें तो यहां पर मूवमेंट नजर आ रहा है. टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, नालको, सारे के सारे स्टॉक्स इस पर तक आप देखें तो आके डी हाई पे ट्रेड कर रहे हैं. जेएसडब्ल्यू स्टील, शैल जी, आप समझ लीजिएगा कि 13 अगस्त से लेकर जो